नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। जबलपुर पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शिकंजा के तहत जिले की विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने दबिश देते हुए 10 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 कट्टे सहित 15 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल जब्त कर बड़ी कार्रवाई की। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ है। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने 6 एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में फर्जी जमींदार बनाकर बैल दिलाने का काम करते थे। जबलपुर में शासकीय कार्यालय बना अयाशी काडा नगर पालिका निगम कार्यालय के अंदर ही मादक द्रव्यों का इस्तेमाल कर खाली बोतलें फेंकी जा रही है। निगम कार्यालय के अंदर वाहन शाखा एवं जन सूचना विभाग के समक्ष रखी है। हाथ गाड़ी में मादक द्रव्य के सेवन कर बोतलें भी फेंक दी गई है। महू में अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी पर लगने लगे भ्रष्टाचार के आरोप। पिछले 3 सालों से नहीं दिया अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी की UPI बार कोड और दान पीटीओ का हिसाब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दमोह पहुंचे। मुख्यमंत्री तय समय से करीब 2 घंटे देरी से दमोह पहुंचे। हेलीपैड पर प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री सहित विधायक एवं भाजपा पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया है। इसके पश्चात सीएम का काफिला रोड शो के लिए रवाना हुआ। जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने STF के SI को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है और 1 लाख रुपए जब्त किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए लोकायुक्त अधिकारी स्वपिल दास ने कहा है कि मोहम्मद जावेद निवासी गोहलपुर ने शिकायत देते हुए कहा है कि वह प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम करता है। वही उसने बैंक से लोन लिया था जिसका किसी कारणवश फ्रॉड का केस चल रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने 4 से 6 अप्रैल 2024 तक 2 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम स्पेक्ट्रम 2024 का उद्घाटन फोटो थीम के साथ किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बनी रही ग्लोबल इंडिया टीवी।